हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका आईपी सॉल्यूशन में। देखिए, बिहार स्टेट की जो लोग तैयारी कर रहे थे उनके लिए बहुत ही बड़ी खबर है। बिहार स्टेट का फॉर्म अक्टूबर तक अप्लाई हुआ है। बहुत सारे स्टूडेंट ने अप्लाई किया, तैयारी में लगे हुए थे, तैयारी कर रहे थे। उसी बीच में बहुत सारे स्टूडेंट इसका विरोध कर रहे थे कि डेट को बढ़ाया जाए, एक्सटेंड किया जाए। इसके बाद ये मामला जो है वो हाईकोर्ट गया, पटना हाईकोर्ट गया। इसके बाद हाईकोर्ट ने हाल ही में ये निर्देश जारी किया शिक्षा विभाग को कि 8 साल का एज जो है, एज में छूट देनी चाहिए, क्योंकि वैकेंसी 2011 के बाद नहीं आई थी। तो वैसे अभ्यर्थी जो आयु के कारण, एज के कारण अप्लाई नहीं कर पाए थे, उनको 8 साल के लिए फिर से छूट दी गई पटना हाईकोर्ट के द्वारा। तो संभावना ये व्यक्त की जा रही थी कि स्टेट का एग्ज़ाम जो कि 7 नवंबर को प्रस्तावित था, ये एक्सटेंड होगा, डेट आगे बढ़ाया जाएगा। लेकिन आज ये खबर आया है प्रभात खबर में, मैं आपको दिखाऊंगा। आज ये खबर आया है कि एग्ज़ाम 7 नवंबर को ही लिया जाएगा। अब स्टूडेंट के मन में या सबके मन में जो है, ये जो है हलचल मचा हुआ है सबके दिमाग में, ये कि ये एग्ज़ाम आखिर कैसे होगा 7 नवंबर को। एक तो हाईकोर्ट ने ये आदेश जारी कर दिया है कि एक बार फिर से आप उनका आवेदन लीजिए जो 8 साल जिनको एज में छूट दी जा रही है। तो अभी तक लिंक ओपन नहीं हुआ है नए कैंडिडेट के लिए, अभी फॉर्म भी अप्लाई नहीं हुआ है, तो 7 नवंबर को एग्ज़ाम कैसे होगा। ऐसे में एक शिक्षा विभाग की तानाशाही कही जा सकती है कि हाई कोर्ट ने जो दिशा निर्देश जारी किया है वैसे कैंडिडेट के लिए, उनके लिए अभी तक लिंक भी ओपन नहीं किया है शिक्षा विभाग ने, और एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है। तो ऐसे में विरोध होना तय है, स्टूडेंट विरोध करेंगे। तो ये पूरा खबर मैं आपको दिखाता हूँ किस न्यूज़पेपर में आया है और कितने परीक्षा केंद्र उस डिस्ट्रिक्ट में बनाए गए हैं, कैसे एग्ज़ाम होगा, सारा कुछ इसमें मैं आपको दिखाऊंगा, प्रूफ के साथ दिखाऊंगा। आप प्रभात खबर का पेपर डाउनलोड करके उसे देख भी सकते हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा जो लोग एस्टेट की तैयारी कर रहे थे, क्योंकि सबके मन में एक उम्मीद था कि डेट बढ़ने वाला है। ओके, तो अभी भी ऐसा नहीं है कि 7 नवंबर को एग्ज़ाम हो ही जाएगा, अभी भी ये बदलाव हो सकता है यदि स्टूडेंट चाहें तो। ये आप लोगों के ऊपर है, अगर आप लोग चाहें तो डेट एक्सटेंड हो सकता है, इसके लिए थोड़ा विरोध करना पड़ेगा। ओके, तो देखिए ये है प्रभात खबर का न्यूज़पेपर आज का है, और आप समस्तीपुर में जाएंगे और वहाँ से डाउनलोड करेंगे। ये समस्तीपुर का ये न्यूज़पेपर है प्रभात खबर का, उसमें आप डाउनलोड करेंगे, पेज नंबर 6 है ये, तो आपको ये न्यूज मिल जाएगा। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है तैयारी, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों ही 150-50 अंकों के होंगे। जिले में 24 केंद्रों पर आयोजित की जाएगी एसटीईटी की परीक्षा। ये समस्तीपुर का न्यूज है, और यदि आपको थोड़ा धुंधला दिखाई दे रहा होगा तो मैं साफ साफ इसको पढ़ूंगा, आप आराम से सुनेंगे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है पूरा न्यूज़ में आपको पढ़ के सुनाता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा एसटीईटी का आयोजन 24 परीक्षा केंद्रों पर किया जाएगा। परीक्षा केंद्रों के चयन को लेकर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के परीक्षा नियंत्रक ने जिला शिक्षा पदाधिकारी को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि 7 नवंबर को एसटीईटी की परीक्षा 2 पालियों में आयोजित होगी। जिला मुख्यालय में वार्षिक माध्यमिक परीक्षा और वार्षिक इंटरमीडिएट परीक्षा 2020 के लिए चयनित परीक्षा केंद्रों के आधार पर ही परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे। इसके लिए विभाग की ओर से पूरी तैयारियां की जा रही है। बनाए गए केंद्र अधीक्षकों के नाम, पता, मोबाइल नंबर और ईमेल उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है। जिला शिक्षा पदाधिकारी वीरेंद्र नारायण ने बताया कि बोर्ड के द्वारा उपलब्ध कराई गई अभ्यर्थियों के संख्या बल के अनुसार केंद्रों का निर्धारण किया गया है। बताते चले कि पेपर 1 और पेपर 2 दोनों ही 150-50 अंकों की परीक्षा ली जाएगी। ओके, 100 अंकों की परीक्षा विषय वस्तु से संबंधित और 50 अंक
शिक्षण, कला और अन्य दक्षता की परीक्षा के लिए निर्धारित की गई है। इधर हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद अब तक उम्र सीमा बढ़ाने से संबंधित कोई सूचना नहीं जारी करने से अभ्यर्थियों में जहां आक्रोश है, वहीं उहापोह की स्थिति भी कायम है। उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही बोर्ड इससे संबंधित निर्देश जारी कर सकती है। इसके बाद केंद्रों की संख्या में भी बढ़ोतरी हो सकती है। विदित हो कि बिहार राज्य शिक्षक पात्रता परीक्षा में उम्र सीमा में छूट देने का आदेश पटना हाईकोर्ट ने बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को दिया है। कोर्ट के आदेश के बाद आवेदन करने की तिथि फिर निकाली जा सकती है। एसटीईटी के आवेदन की तिथि अक्टूबर में ही समाप्त हो चुकी है। कोर्ट के फैसले से उन लोगों को लाभ होगा जिनकी उम्र सीमा एसटीईटी के इंतजार में समाप्त हो गई है। बता दें कि 2011 में एसटीईटी 9वीं से 12वीं तक देने वाले वैसे अभ्यर्थी जिनका नियोजन अभी तक नहीं हुआ और वे दोबारा एसटीईटी देना चाहते हैं, वर्ष 2011 में हुए एसटीईटी के लगभग 5000 अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनकी उम्र सीमा खत्म हो गई थी। तो ये है न्यूज। अब इसमें जो है ये आता है कि क्या एग्ज़ाम हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। ये एक डिस्ट्रिक्ट का न्यूज आया है, ये पूरे अगर बोले तो ये पटना का न्यूज़ नहीं है, सिर्फ डिस्ट्रिक्ट का समस्तीपुर का ये न्यूज है। तो जैसे ही कोई भी और न्यूज आता है तो मैं आपसे आपको मैसेज ज़रूर करूंगा या वीडियो के माध्यम से मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। तो आपको तैयारी भी रखनी है कि 7 नवंबर को एग्ज़ाम हो भी सकता है, लेकिन चांसेस है कि एग्ज़ाम नहीं ही हो पाएगा, एग्ज़ाम को कैंसिल किया जाएगा और डेट को आगे बढ़ाया जाएगा। ओके, लेकिन आप तैयारी 7 नवंबर को ही मान करके चलें और तैयारी में लगे रहिए। आगे जैसा कोई भी न्यूज आता है मैं आपको बताऊंगा। और यदि आप चाहते हैं, अभी तक तो ये लिंक भी इन्होंने ओपन नहीं किया है नए अभ्यर्थियों के लिए, तो आप लोग प्लीज़ एक बार फिर से जो है वो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से संपर्क करें, उनसे जो है वो ये मांग करें कि जल्दी से जो है वो लिंक ओपन कीजिए अप्लाई करने का। इसके बाद जो है परीक्षा तिथि भी आगे बढ़ाने के लिए आप उनसे मांग कीजिए, तो ये ज़रूर हो सकेगा। कुछ स्टूडेंट को आगे आना ही होगा इसके लिए। जैसा कि आपने अभी थोड़ा आगे आकर 8 साल का एज आपको एज में छूट मिला, थोड़ा सा आपने विरोध किया, आप आगे आए तो आपको लाभ हुआ, हाईकोर्ट ने यह दिशा निर्देश दे दिया। वैसे ही थोड़ा सा आपको मेहनत करने की ज़रूरत है, आपको यहाँ पे आपका एग्ज़ाम जो है वो एक्सटेंड ज़रूर होगा। और समझ में बहुत सारे स्टूडेंट को या बहुत लोगों को, एक्सपर्ट लोगों को भी समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ये एग्ज़ाम लेंगे तो कैसे लेंगे। ओके, बाकी जो भी होगा वो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो आपको बताते चलूं कि बिहार सामान्य ज्ञान, बिहार जीके का ईबुक हमने लॉन्च किया है, जो बिहार के अलग अलग एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, चाहे वो बिहार पीएससी हो, बिहार दारोगा हो, बिहार SSC CGL हो, बिहार पुलिस हो, सभी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो यदि आप इसे परचेस करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहाँ से जाकर परचेस कर सकते हैं। यह भी आपको 99 रुपीज़ में मिल रहा है। ज़्यादा जानकारी के लिए आप मुझे इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं या आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। तो बस इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ इसे शेयर कर देंगे और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेंगे। सो थैंक यू सो मच।